हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 क्लास 12th वाले जो हमारे बच्चे हैं 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मींस शॉर्ट में अगर बोलूं तो सर OCM का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ध्यान से सुनना है, समझना है कि सर हैशटैग 2 कैसे आया। तो हैशटैग 1 में कंप्लीट आपको सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का आइडिया आपको दिया गया एंड इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको दिए गए हैं। मैं मान के चलता हूं अगर किसी बच्चे ने OCM में अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया है तो भी सर OCM में पास होना या फिर स्कोर करना पॉसिबल है क्या, तो मैं बोलता हूं OCM में अगर किसी कोई बच्चा लास्ट के 10 से 15 दिन भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लो, जो मैं आपको गाइड करूंगा ना, तो पासिंग का तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा। मतलब लास्ट के भी 10 से 15 दिन में आप OCM में इजिली पास हो सकते हो, पासिंग की अगर आप जस्ट बात करते हो तो। क्योंकि OCM में क्या होता है, फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पहली चीज। सेकंड चीज, OCM का जो क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के जैसे घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते, ये सबसे बड़ा OCM में एंड अपना SP में इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। जैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वैसे उस क्वेश्चन में छप जाते हैं क्वेश्चन में। जैसे आज बात करेंगे सर कंप्लीट, देखो आपको एक साथ में पूरा कंप्लीट OCM नहीं दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट आपको हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे सर आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस बच्चे को पेपर पैटर्न नहीं पता इसलिए पूरा डिटेल में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितना आएगा, कितना नंबर लिया, कितने नंबर का रहेगा और कितने पॉइंट्स लिखने वो भी गाइड कर दूंगा आपका। सर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आता है ना, Any 3 आउट ऑफ 4, मतलब 3 क्वेश्चन हमको कवर करना है सर, 4 क्वेश्चंस में से क्लियर लिखा रहेगा। और क्या है सर ये क्वेश्चन, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है। क्या होता है सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है और बहुत फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान से अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो, स्कोर करना भी है, पासिंग के लिए भी देख रहे हो, जैसे भी है भाई अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना क्या चाहते हो, कैसे स्कोर करना चाहते हो। तो डिस्टिंग्विश की बात करूंगा सर, नंबर भी थोड़े से काउंट कर लो आप, 12 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 Any 3 आउट ऑफ 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगा, 12 नंबर का रहेगा। ध्यान से सुनना समझ रहे, जैसे लिखा जा रहा है वैसे ही पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखो कि कौन से 1 2 क्वेश्चन सबसे पहले, और यहाँ पे लिख देता हूँ, पेपर होने के बाद आके मैच भी करा लेना कि ये 100% फिक्स क्वेश्चन है, 100% आएंगे ही आएंगे, मतलब तो इसकी तैयारी आप लोग पहले से करके रख लो। क्लियर सर, कौन सा क्वेश्चन 100% सर, कौन से क्वेश्चन से जल्दी बताइए, बच्चे लोग में काफी इंटरेस्ट। सर 2 क्वेश्चन आएगा और 3 4 में से सर ने 2 क्वेश्चन फिक्स दे दिए। कौन सा, पहला क्वेश्चन भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगर किसी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वो भी बता देता हूं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल यहां लिख देता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को नॉलेज ना हो इसकी। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सर कौन से टॉपिक का है ना, चैप्टर नंबर 2 का है, ध्यान से सुन लेना समझ लेना, चैप्टर नंबर 2 का है। जिनको नहीं पता, कितने फंक्शन है सर, टोटल 6 फंक्शन है, मींस प्लानिंग है पहला, सेकंड सर हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है, नेक्स्ट सर हमारा स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग, नेक्स्ट सर हमारा डायरेक्टिंग होता है, सेकेंड लास्ट हमारा सर कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन, एंड लास्ट पार्ट सर हमारा कंट्रोलिंग होता है। क्लियर हो गया, 6 फंक्शन जब आप डिस्टिंग्विश इसकी प्रिपरेशन करते हो, ध्यान से सुनना, सब अलग अलग नहीं करोगे आप, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग अलग नहीं करोगे, प्लानिंग स्टाफिंग नहीं, तो इसका देखो सिंपल सा साथ में आपको तैयारी करना, साथ में प्रिपरेशन आपको करके रख लेना, क्लियर है। साथ में अगर करोगे मीन्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, मतलब 6 फंक्शन का ना जब आप साथ में प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि एग्जाम में कैसे हो कुछ भी पूछ सकते हैं, प्लानिंग वर्सेस स्टाफिंग पूछ सकते हैं, प्लानिंग वर्सेस कोऑर्डिनेशन पूछ सकते हैं, प्लानिंग वर्सेस कंट्रोलिंग पूछ सकते हैं, प्लानिंग वर्सेस ऑर्गेनाइजिंग पूछ सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग वर्सेस मतलब
मतलब कोई भी वो लोग क्या कर सकते हैं, पेयर्स बना सकते हैं, मतलब साथ में रख देंगे। बट क्या रहेगा, अगर सिंपल से मैं एक साथ में पढ़ लूंगा उनको कैसे भी पूछ रहे, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बेस्ट है ध्यान से सुन लो समझ लो, काफी बच्चे सिर्फ पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, लिखने की ट्राई करते भाई मिस्टेक्स हो जाते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। मेरा सजेशन है आपने एक दो बार तीन बार चार बार पढ़ के रख लिया, कॉन्सेप्ट समझ के रख लिया। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्सेप्ट को ना, तब तक क्लियर नहीं होगा। मतलब जब तक कम से कम 2-4 बार तो आप लोग लिख के भी प्रैक्टिस करो कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसे, मेरी राइटिंग कैसे जा रही है, मैं कितना कॉन्सेप्ट लिख पा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं एग्जाम से पहले, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। और वैसे भी उसी में मैंने बोला है प्रेजेंटेशन एंड जो आपकी इंग्लिश की राइटिंग है बहुत मैटर करेगा स्कोर करने के लिए, बहुत अच्छा होना चाहिए उसी में। मैं बोलूँ तो प्रेजेंटेशन राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका स्कोर करने के लिए। क्लियर है सर? कोई भी मैंने बोला अच्छे से साथ में प्रैक्टिस करना, एक तो मिनिमम आएगा, दो भी आता है। अगर मैं बात करूं देखो सिंपल सा, जो आपका भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था ना 2022 वाला एग्जाम, कौन सा 2022 में ना आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए थे भाई बच्चे लोग के, जो बच्चों ने यहां से फॉलो किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने 100% में पहले से लिख के रख दिया था। मैंने उनको बोला भी था मिनिमम एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, 2 पॉसिबल हो सकते हैं। तो बच्चे लोग का काफी ज्यादा एडवांटेज हुआ, वे 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ गए, तो सबने वही 2 क्वेश्चन लिख दिए, मतलब 10 मार्क्स क्लियर हो गए, सॉरी 8 मार्क्स, 4 मार्क्स के 8 मार्क्स यहीं से क्लियर कर लिया इनका। क्लियर? सेकेंड जो फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ये क्वेश्चन भी पढ़ के रख लो। सर हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम वर्सेस स्टेट कमीशन, और लास्ट हमारा जो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा उनको पता होगा लास्ट कौन सा आएगा सर, नेशनल कमीशन। क्लियर है? 100% 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन में से 8 मार्क्स कवर हो जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम मैंने बताया को टोटल हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर बच्चों को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला, 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए, बच्चे लोग ने क्या किया NE3 3 यही से कवर कर लिए, 4th क्वेश्चन की तरफ गए नहीं। बट याद रखना हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपको यहां से 2 क्वेश्चन बने, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, वो तो आ गया तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। बट अगर 2 क्वेश्चन ही मैं मान के चलता हूँ, कभी भी मिनिमम मान के चलता हूँ मिनिमम यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने, मैक्सिमम जैसे लास्ट ईयर के जैसा 3 बन गया तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये 2 तो मैंने बता दिए फिक्स हो गए कि भाई 100% कर लेना। अब ध्यान से सुनो और समझो कि सर तीसरा मींस थर्ड या फिर फोर्थ जो भी डिस्टिंग्यूज रहेगा कौन से टॉपिक से बन सकता है, तो ध्यान से सुनो। एक आएगा हमारा चैप्टर नंबर 1 आएगा, ध्यान रखना ये भी क्लियर बता दे रहा हूं, 1 आएगा चैप्टर 4 से और 1 आएगा चैप्टर 3 से, 1 आएगा सॉरी 3rd नहीं 5th से, चैप्टर 4 चैप्टर 5 से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं बात करूं सर चैप्टर नंबर 4 में कितने डिस्टिंग्यूज है और कौन कौन से हैं, इजी टॉपिक ये भी है बट नंबर ऑफ अगर क्वेश्चंस की बात करूं थोड़े से ज्यादा हैं। कौन कौन से सर? एक तो हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट आएगा, टाइप नहीं ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं लिख देता हूं नहीं तो काफी बच्चों को समझेगा नहीं टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन से आते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट, रिकरिंग, आपके टेक्स्ट बुक में क्लियर पीछे मेंशन किया गया है, बराबर है। नेक्स्ट सर हमारा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, 4 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से सर हमारे होते हैं, रोड, एयर, वाटर एंड रेलवे, 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सर कौन सा आ सकता है यहाँ पे, इंश्योरेंस, कौन कौन से हैं सर हमारे सिलेबस में, फायर है, लाइफ है एंड मरीन इंश्योरेंस है, कितने हुए, 3 टाइप दिए गए, तीनों टाइप का डिस्टिंग्यूज में से एक बनने के चांसेस है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर नंबर 4 का, कॉमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल वर्सेस सेंट्रल। अब ध्यान से सुनना समझ रहा है पहले इसका भी, अब इसमें से ध्यान रखना 1, 2, 3, 4 में से ना कोई भी एक ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना जो बच्चे प्रैक्टिस करते चाहे
स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो तो भी ध्यान रखना, ये चार में से एक क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं सर कौन सा बना था इसमें से, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन बना था, मतलब इंश्योरेंस का कोई भी दो टाइप पूछा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट इंश्योरेंस पूछा गया था ये याद है कि इंश्योरेंस का दो टाइप पूछे गए थे। मतलब एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर हमारे किससे बनता है सर, फोर से बनता है। बट ध्यान रखना लास्ट टाइम रिपीट हो गया था चैप्टर टू से दो क्वेश्चन, बट हमेशा ऐसा मैंने बोला क्या कि कंपलसरी आप 100% मत मान के चलो कि हमेशा वहां से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर फिफ्थ में भी भाई आपके डिस्टिंग्यूज है, यहां से भी बनने के चांसेस होते हैं, बनने के चांसेस होते हैं, और इस साल शायद से बनेगा भी यहां से। कौन कौन से सर है हमारे यहां पे, एक तो पहला तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ए बिजनेस, क्लियर है। सेकेंड ई बिजनेस ई कॉमर्स है, ई बिजनेस ई कॉमर्स। लास्ट हमारा सर बीपीओ वर्सेस केपीओ, तीन डिस्टिंग्यूज है, तीन में से सर कितना आएगा, एक आएगा, कॉमन सी बात है, एक ही पूछेंगे वो लोग। अब ध्यान से थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस इसको कर लो, आप लोग सुन लो समझ लो, 100% डिस्टिंग्यूज दे रहा भाई, 12 में से 12 मिल जाएगा अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से आप लोग लिख के आते हो तो, क्लियर है। बात करेंगे देखो जो आपका फॉर्मेट है ना एनी 3 out of 4 का फॉर्मेट है, रूल ये है कि भाई आपका एक चैप्टर नंबर 2 से होना चाहिए डिस्टिंग्यूज। देखो यहां पे लिख देता हूं नीचे चैप्टर नंबर 2 हो गया आपका, चैप्टर नंबर 4 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 7, चार यहीं से बनेंगे, चार क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ध्यान से सुन लो, चार क्वेश्चन बनने के चांसेस यहीं से, इसके बाहर चांसेस नहीं रहते, ना बनने के बराबर रहते। तो हम लोगों को कवर करना सर एनी 3, कोई बच्चे अगर सिर्फ एनी 3 का देख रहे सर हमको 3 सिर्फ कवर करवा दो बस आप, तो मैंने बोला सबसे पहले आप चैप्टर 2 कर दो, चैप्टर 2 100% लिखा हो, मीन्स ये वाले टॉपिक्स एक क्वेश्चन मिनिमम है, दो हो सकते बट एक मान के चलो आप एक आएगा, तो ये आपको फिक्स आपका बता दिया क्योंकि एक ही डिस्टिंग्यूज में आपका कवर हो जाता है इसीलिए दे रहा हूं। सेकंड सर हमारा मैंने बोला चैप्टर 7 कर लो पहले आप, 7 कौन सा है सर, 7 आपका यहां पे देके रखो, डिस्ट्रिक्ट फोरम वर्सेस स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, ये भी 100%, ये देखो ये तो 100% मैंने लिख के लिखा क्योंकि एक ही एक है, मैं उसको एक ही मानूंगा क्योंकि एक साथ जब मैं पढ़ रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन मानूंगा। अब 4 and 5th में आप देखो, 5th में कितने क्वेश्चन है सर, 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक आएगा, मतलब 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 3 में से एक, एंड 4 में ना 4 क्वेश्चन में से आपका एक आएगा, तो मतलब एक क्वेश्चन। तो हम लोग को अगर कवर करना है सर 3 क्वेश्चन कैसे कवर करूं, तो सिंपल सा सजेशन है, देखो 2 क्वेश्चन तो आपको 100% लिख के दे दिया हूं कि 2 क्वेश्चन आप लोग पहले इस पे फोकस रखो, 100% तरीके से प्रिपरेशन करके रख लो ये 2 की, और एक तीसरा क्वेश्चन भाई रिस्क नहीं चाहिए, तीसरा क्वेश्चन भी कवर करना है सर तो चैप्टर 4 या फिर चैप्टर 5 में से, मेरा सजेशन रहता है कोई भी एक ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप डिस्टिंग्यूज आप प्रिपरेशन करो कोई भी एक टॉपिक का, अगर टाइम आपका है पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हो तो फिर एडवांटेज है कर सकते हो दोनों, बट सजेशन है लिखोगे तो 3 ही, तो कॉमन सी बात है भाई थोड़े से कम प्रिपरेशन में बेस्ट स्कोर करना, मतलब आप अगर कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट सेकंड चैप्टर 5 करता है तो भी 12 नंबर कवर हो जाएगा, कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट सेकंड 4 करता है तो भी 12 नंबर कवर हो जाएंगे, और कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड 5th and 4 मतलब सब टॉपिक करेगा तो भी 12 ही मिलने वाले, क्लियर है, मतलब उतना ही मार्क्स कवर करोगे, तो आपके ऊपर डिपेंड है जैसे आपको बेनिफिट्स लगता है। तो मेरा सजेशन था, मैंने अपने तरीके से कंप्लीट आपको बता दिया क्वेश्चंस कहां से बनेंगे कैसे बन सकते हैं और चार क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे कौन से 3 कवर करो, एडवांटेज आपको दे दिया, आपके ऊपर डिपेंड है कौन से ये दोनों में से कौन से टॉपिक आपको इजी लगेंगे वो आप पिक कर लेना, क्लियर है। मेरा सजेशन चैप्टर 5 पे ज्यादा रहता है क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा डिटेल्स पढ़नी है, क्लियर है, हर एक टाइप भी है यहां पे सिंपल सा एक-एक टाइप है, तो सजेशन रहता है आप ये 2 कवर करके 5th पे जाओ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कोई बच्चे को, आपके ऊपर डिपेंड। अब एक कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है सर पॉइंट्स कितने लिखने, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो कहीं 8 पॉइंट है कभी कहीं 10 पॉइंट है कहीं 6 ही है कहीं 5 ही है, तो कितने लिखने, तो ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से, पॉइंट जो आपके होते हैं पॉइंट जो आपके होंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मिनिमम आपको 6 एंड मैक्सिमम बहुत ज्यादा से ज्यादा 7 पॉइंट्स लिखने, इससे ज्यादा नहीं,
मेरा जो सजेशन रहता है, काफी जगह मैंने देखा पांच ही पॉइंट बोलते, बट नहीं, पांच पॉइंट मतलब क्या रहता है, रिस्क हो जाता है थोड़ा सा स्कोर आपको। अगर फोर आउट ऑफ फोर चाहिए ना, तो कम से कम मिनिमम आपको पॉइंट लिखने हैं सिक्स एंड मैक्सिमम सेवन, मैक्सिमम सेवन, उससे ज्यादा भी नहीं सजेशन। मैक्सिमम टाइम अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है, आपने बोर्ड एग्जाम में पहले बैठने से पहले दो चार पेपर सेट का प्रैक्टिस किया है, तो सेवन पॉइंट मैक्सिमम, अदरवाइज सिक्स ही लिखो तो भी इनफ है आप लोग का। क्लियर है? बिल्कुल। पॉइंट्स भी आपको आइडिया दे दिया, फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से दे दिया। फिर भी किसी बच्चों को क्वेश्चन नंबर फोर में डिस्टिंग्यूज में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो कमेंट में ऐड कर देना। एंड सेकंड चीज, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे डिस्टिंग्यूज पे, शॉर्ट नोट्स पे, लॉन्ग आंसर पे वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, या फिर आप कमेंट कर सकते हो सर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करा दीजिए, तो हैशटैग जो भी आएगा अगला पब्लिक मतलब आप लोग की डिमांड पे आ जाएगा। जो बच्चे डिमांड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा। कोई भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने को लेके बोलेंगे एसपी को छोड़ के, एसपी को छोड़ के मीन सोशियम को, इकोनॉमिक्स को, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को, टॉपिक को एक्सप्लेन भी करा के दे दूंगा। मतलब जो डिमांड आएगा ट्वेल्थ क्लास वाले बच्चों का, वही लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देने वाला हूं, बाकी बच्चों की डिमांड अगर रहेगी कि सर कोई टॉपिक भी आप एक्सप्लेन करा दीजिए, जो आपने इंपॉर्टेंट में से कुछ टॉपिक्स दिए हैं, तो आपको एक्सप्लेन करा के दे दूंगा अपने तरीके से, अपने मेथड से। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो आपके फ्रेंड सर्कल है या फिर दोस्त यार जो भी बना के रखे हो ना, उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले, एंड डिस्टिंग्यूज में से ना 12 में से 12 कवर कर ले इजीली तरीके से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिमांड करिए कौन से टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी चाहिए, उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा और 100% फिक्स क्वेश्चन दूंगा। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने, एंड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स लेके आना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।